ये मेले हॉट चॉकलेट चलना यार, अब मेरी टर्न है, ले डाल. The first time that I saw you, I forgot your name. Hey pretty girl, come and play my game. I can be your best friend, it's all the same. I can meet you on the chat room, share your pain. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. Tere sang head on, tere sang full on, tere sang life on ha. Babalu. Tere sang chatting, tere sang dating, tere sang coaching ha. Galla teri sweetie sweetie, tu hai kudi pretty pretty, tere sang chai mastiya. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. Get up, तेरे संग रोड स्ट्रीट, तेरे संग फुल स्पीड हाँ, चाल तेरी जैसी जैसी, हो गया वो क्रेजी क्रेजी, तेरे संग देखो दुनिया. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. Hey Miss Babalu, Miss Babalu, Miss Babalu. हाय. यहाँ गर्ल्स स्कूल के सामने तो मुझे देखने आते हो ना? नहीं. हाँ बोलो. हाँ. तो मुझे देख के भाग क्यों जाते हो, बात क्यों नहीं करते? बात? नाम पूछो मेरा, पता, टेलीफोन नंबर. हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे स्कूल के क्रिसमस डे फंक्शन में मिलोगे तब बताऊंगी. आना. हाँ. अबे पगला गया तू, उन लड़कियों का स्कूल है वो भी रईसों का, सिर्फ बड़े बाप की बेटियां आती हैं वहाँ पढ़ने. हाँ मगर सेंट माउंट अबू वाले लड़कों को बुलाते हैं ना वो अपने एनुअल डे फंक्शन पे यार. पर हम तो टेंट माउंट अबू वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल के. तो क्या हुआ? और डोंट वरी, आज रात को हम भी सेंट माउंट अबू वाले ही हैं. क्यों कुकु? देन फिर ओके. ऑल राइट. Hello, Mr. Gogo. How are you, Mrs. Lobo? Hey! Last party was so nice. Oh, thank you. अबे ओ मजनू, लौंडिया पटाने के चक्कर में पिटाई मत करवा दियो हमारी. कोई पटाना वटाना नहीं है, मैं सिर्फ उसे जानना चाहता हूँ. और दूसरी बात, वो लौंडिया नहीं है, लड़की है. Have some class, yeah. Class? Come. Ready for blast? Yep. Mrs. Pari. Hello. Mr. Gogo. Mrs. Sood. Hello. Mr. Gogo. Girls, sit properly. Welcome to our annual day Christmas party. And welcome to all of you. Thanks, thanks. So these are your bright students. Oh yes, all of them. To shuru kare? Of course, you lead. Come. Oh, my favorite song. Ah, come on. Come on, boys.
Come. Girls, you too. Come on. Join us. Come on. Come on the dance floor. All the best. If I'm not mistaken, तुम बैरिस्टर मोहित पुरी की बेटी हो, right? Right. मैं मिस्टर दीप ओब्राय का बेटा हूँ. हमारे सारे केसेस तुम्हारे फादर को ही जाते हैं. Come sit. Thanks. Would you like to dance with me? Of course. Why not? लेकिन पहले इन्होंने कहा था. Ouch. I'm sorry. तुम्हें पहले आके इनवाइट करना चाहिए था ना. डफर. आया तो था मैं, पर वो बिल्कुल डफर हो. इस साल डिनर टेरेस पर लगा है. Shall we go and see it? Sure. Let's go. ओ डीजे, क्या भजन बजा रहा है यार. कुछ ढंग का बजा ना, मॉडर्न. सॉरी, मिसेस लोबो ने यही म्यूजिक बजाने को कहा है. पर मिसेस लोबो कहीं ऊपर छत पे. ओके, देन एट योर ओन रिस्क. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. हम बुलबुले है इसकी ये गुलदस्ता. What? हमारा गुलदस्ता हमारा नहीं, गुलिस्ता हमारा. ओके, गुलिस्ता. ओके ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहे हैं. और दोबारा मेरे स्कूल में नजर आए तो पुलिस में दे दूंगी. कहाँ चले गए तीनों की तीनों? ओ. बहुत पिटाई हुई. नहीं, वो बस इंडिया पर गाना गवाकर छोड़ दिया. फिर तो साथे छूटे. बिल्कुल. तुमने अपना नाम नहीं बताया. किस लिए? जानना है. जल्दी है? हाँ. मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलो, वहीं बताऊंगी. पर डरते हो तो रहने दो. मैं डरता हूँ तो चलो फिर. ओके चलो. रॉबिन अंकल. हाँ, मर्सिडीज. Oh my darling. Meet my friend. Hello. Hi Suzy auntie. चलो. Wow. Fantabulous यार. कितना बड़ा घर है तुम्हारा. इतनी जगह में तो हमारे जैसे तीन कमरे आ जाएंगे. हे, पूल भी है. You're so lucky यार. बड़ा होने से क्या होता है, अकेले अकेले भटकते रहो सारे घर में पागलों की तरह और बोर होते रहो. क्यों तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आते यहाँ? आई नेवर कॉल देम. दे कीप शोइंग ऑफ बिचिंग अबाउट अदर्स. या फिर हाय, उस हीरो के बाइसेप्स कितने सेक्सी हैं ना. और फिर डर्टी डर्टी जोक्स क्रैक करते हैं. पर डर्टी जोक्स तो फनी होते हैं, तुम्हें अच्छे नहीं लगते? सारे नहीं, कोई कोई. तुम्हें आते हैं? जोक्स तो नहीं आते. हाँ, पर मुझे एक ड्रॉइंग बनानी आती है. तो बताओ. हाँ, लेकिन बहुत नॉटी है. फिर कुछ मत बोलना. ठीक है. अच्छा, तो एक पेपर चाहिए इतना बड़ा. अच्छा. हैप्पी बर्थडे बेबी. हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू आंटी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू अंकल. गॉड ब्लेस यू बच्ची. आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तभी तो तुम्हें साथ लेके आई हूँ. टफो. चलो चलो, केक काटो.
सब्जी मंडी के पास बेरी वाला। घर में और कौन कौन है? बस मैं और मम्मी डैडी। तो इतनी सी जगह में तीन कमरे बने हुए हैं? मतलब तुमने कहा ना कि तुम्हारे जैसे तीन कमरे हमारे हॉल में आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे तीन कमरे थोड़े ही है, हम एक ही कमरे में रहते हैं खींच खाच के। खींच खाच के मतलब? मतलब सुबह को बाथरूम के लिए झपटा झपटी होती है, शाम को टीवी के रिमोट के लिए, कभी सारा दिन हंसते हंसते निकलता है तो कभी झगड़ते झगड़ते। चलो ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग? तुम बनाने वाले थे ना नॉटी ड्राइंग? हाँ पर सचमुच नॉटी है, फिर मारना मत। ओके ओके। तो इमेजिन करो एक टीचर छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखा रही। वो है ना तुम्हारी टीचर मिसेज लोबो। हाँ तो मिसेज लोबो बच्चों की क्रिएटिविटी देखना चाहती है, तो वो है ना ऐसे एक लाइन बनाती ऐसे, और कहती है कि यह है वर्म कीड़ा, और बच्चों से कहती है कि वो भी आगे आए और इस ड्राइंग को आगे बढ़ाए। तो एक बच्चा आता है और वो यू लाइन बनाता है और कहता है कि ये है शी वर्म मिसेज कीड़ा। फिर एक बच्चा आता है वो यू लाइन बनाता है टेबल, फिर ये चाइनीज लैंटर्न, और फिर एक लाइन ऐसे ये हुआ टेबल स्टैंड। फिर एक बच्चा आता है और वो यू लाइन बनाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। वाओ वेरी गुड। फिर ये जग और ये फ्लावर्स। फिर है ना एक छोटा सा बच्चा वो साइड में खड़े रहके देखे जा रहा है, तो मिसेज लोबो कहती है मुन्ना तुम भी आओ, तुम भी ड्राइंग करो। तो मुन्ना आता है और वो यू लाइन बनाता है ये ऐसे। ये क्या है? मिसेज लोबो भी पूछती है ये क्या है, तो मुन्ना कहता है आंटी ना पैंटी बदल रही है। वो कैसे? मिसेज लोबो भी पूछती है वो कैसे, तो मुन्ना ना ड्रॉइंग उलट देता है ऐसे। मैंने कहा था ना नॉटी। अरे अरे मत मार। मैंने कहा था नॉटी है, मैं भी मारू। यू कांट हिट मी, इट्स माय बर्थडे टुडे ओके। वैसे मैं जितना समझ रही थी उतने डफर नहीं हो तुम। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम्हें पता है मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ? हाँ क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। क्योंकि आज मैं अपने जन्मदिन पर अकेली नहीं हूँ। मैडम, ओ गॉड, रॉबिन, सुजी, साहब आ गए, मैडम आ गई, गॉड, उठो उठो, मम्मी डैडी आ गए, भागो जल्दी, माय गॉड, गॉड, सुजी, अरे भागो जल्दी जल्दी निकलो जल्दी, सुजी, रॉबिन, सर, सुजी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतना? नहीं सर, चिल्ला तो नहीं रहा था। अरे पर तुमने तो अपना नाम बताया नहीं। नाम को छोड़ो, तुम भागो भी जल्दी। माही कैसी है? वो तो सो रही है। घबराओ मत, मैं जगाने नहीं जा रही उसको। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जी सॉरी। जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए। यस मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। बड़ा मुस्कुरा रही थी नींद में। क्या सपना देखा? कुछ नहीं, स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई ना, तो मैं सोच रही थी कि माँ बेटी दोनों मस्ती करेंगे। आई एम सॉरी बेटा,
इस बार भी छुट्टियों में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। बट वाई मामा? क्या करूं, तुम्हारे पापा की बार काउंसिल एसोसिएशन की मीटिंग है लंदन में, वहां सब कपल्स आते हैं, जाना पड़ेगा, पता है ना तुम्हें। डोंट वरी, न्यू ईयर तक हम वापस आ जाएंगे। ओके ओके। कल रात को हम बहुत लेट आए, इसलिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। एंड आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू आल्सो। वाओ, क्रेडिट कार्ड। लव यू मामा। अब तुम अपनी मर्जी से जो चाहे खरीद सकती हो, लेकिन देखना तुम्हें कोई चीट नहीं करे। नो वन कैन चीट मी मामा। थैंक यू। ला बेटा, एक आसमान मेरे को पकड़ा। नहीं मम्मी, ठीक है। हाय, कितना ध्यान रखता है मेरा लाल अपनी माँ का। अरे क्या कर रही हो मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? अरे तू मेरे लिए हमेशा बच्चा रहेगा, मेरा लाल, मेरा सूरज। ओफो मम्मी, सब लोग देख रहे, सब झूठा करके रख देती हो। एक ही रात में बहुत बदल सा गया है तू। डैडी। सुषमा जी, महीने का राशन ला रही हो या पूरे साल का? अच्छा हो गया आप आ गए। चुस्मान रख, कब से बोझा लिए चल रहा है बच्चा मेरा। अरे तो कौन सा घिस जाएगा, निठल्ले की वर्जिशी हो रही है ना, वरना तो दिन भर खाता है, खेलता है, पिक्चर देखता है और रात को घर से बाहर रहता है। क्यों भाई, कल रात को कहाँ था? ओ जी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होमवर्क कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। सुषमा जी, मैं घर पर लेट आऊँ और रात को घर से बाहर रहूँ, आपको चलेगा? नालायक, आवारा गर्दी करता रहता है बिगड़े वो लौंडों के साथ। क्यों भे? एक फोन नहीं हो सका, फोन नहीं हो सका कल। मेरे पास कौन सा मोबाइल फोन है कि फोन कर देता? अच्छा मैं तुझे दिलाऊंगी लेटेस्ट है। देखो सुषमा जी, तुम इसको बिगाड़ो मत। हाँ, 6-7 रिक्शा किराए पे चढ़ा के सैटरडे संडे को खुद चला के मैं इतना कमाता नहीं हूँ जितना ये फूकता रहता है। क्यों भे? मोबाइल से पहले लोग घर पे खबर नहीं किया करते थे क्या? और सुन, ये तू ये फैशनेबल कपड़े कहाँ से लेके आया? ये आप ही की है डैडी। हाँ, आप ही के। मेरे तो तूने क्यों पहन रखे हैं? वो आपको टाइट हो गए ना, इसलिए। अबे कल को मैं दुबला हो गया तो फिर से पहन सकूंगा ना? हाय, दुबले होंगे आपके दुश्मन, आप क्यों दुबले होने लगे? चल सामान रख, रख सामान। समझदार हो गया है बेटा, बड़ा हो गया है जी। हाँ हाँ, पता है मेरे को। देख बे, तू अपनी माँ को बेवकूफ बना लेकर मेरे को नहीं समझा? ओ जी, पहले आप हमें छोड़ो फिर निकल लो। इसका तो पता नहीं, लेकिन सुषमा जी, आपको तो मैं कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। देख हंस रहा हूँ, लू का बट्ठा मेरे ऊपर। हंस नहीं रहा है, इसकी सूरत ही है हंसती हुई। मम्मा क्या कर रही हो? अबे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है, दिन भर तेरे को जितनी चुम्मियाँ मिलती है ना, उसकी 1% भी मेरे को मिल जाए, लाइफ बन जाए मेरी। चलो आप चलो, आप एक्सक्यूज मी। हो गया नाश्ता? जी पापा। गुड, चलो बताओ पियाना पे क्या सीखा तुमने? Wait. What is this? What are you playing? Huh? What are you playing? What are these chords? तुम्हारी पियानो टीचर आती नहीं आजकल? जी आती है पापा। तो फिर यही सीखा तुमने इतने दिनों में? हाँ? You really disappoint me, माही। तुम्हारा ध्यान नहीं लगता आजकल किसी चीज में, ना पढ़ाई में, ना पियानो में, ना क्या करती क्या तुम सारा टाइम? बाकी मैं डांट नहीं रहा हूं, उसे बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं उसको। अब बच्ची नहीं है वो, शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इतनी सारी ट्यूशन लगवा रखी है, फ्रेंच, पियानो, डांस, व्हाट इज द पॉइंट? मैंने नहीं कहा था ट्यूशन लगाने को। सॉरी, व्हाट डिड यू से? कम ऑन, से इट अगेन प्लीज। तुम्हारा बहुत दिमाग खराब होता जा रहा है। हाँ, ये सब जो तुम पढ़ती रहती हो ना मैगजीन्स में, ऊट पटांग, रिसर्च और एनालिसिस, कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है इसलिए बच्चे गुमराह हो जाते हैं, माँ बाप प्यार नहीं करते इसलिए बच्चों में कॉम्प्लेक्स, बुलशिट। तुम्हें क्या कमी है? हाँ,
अच्छा खासा घर, इतने नौकर चाकर है, पता नहीं क्या, इतना बड़ा पियानो कितने लोगों को नसीब होता है, इतना बड़ा पियानो, इतना कीमती पियानो, बुलेट खा के घूमती रहती है बस। चल एंड लिसन, लुक एट मी, डोंट एवर टॉक बैक टू मी अगेन, ओके? स्पॉइल्ड ब्रैट। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, कुकू। इतनी देर में फोन क्यों लगाया? वैसे ही देर हो गई। क्या कर रही हो? क्या करूँगी, घर पे बैठे बैठे बोर हो रही। तुम क्या कर रहे हो? वो जो फिरोज शाह कोटला है ना, उसके पीछे जो ग्राउंड है वहाँ फुटबॉल खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आ जाऊँ? अरे नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के हैं और निकर में खेल रहे। सो व्हाट, मैं आ रही। Hi guys! Come on, give the ball to me. Come on. Come on. Hey, goal maarne dena usse. Yeah, goal! मेरा टेसू यही खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो चांदनी चौक, चांदनी चौक में उड़ी पतंग, कटके पहुंची दरियागंज, दरियागंज में लगा था टेंट, आगे देखो दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में खेली होली, आगे देखो कुतुब मेहरोली, मेहरोली में खिले थे फूल, जहां मिले माधव मकबूल, एवरीथिंग इज कूल भैया, एवरीथिंग इज कूल। लाल कले के पीछे गौतम के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में, दिल्ली छे की गलियां यहाँ की सोनी कुड़िया उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में, लाल कले के पीछे गौतम के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में, दिल्ली छे की गलियां यहाँ की सोनी कुड़िया उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में, लाल कले के पीछे गौतम के नीचे हम तो जंतर मंतर करोल बाग सीपीजी के जल्दी भाग, गुड़गांव वहां से सिविल लाइन अब तो पूरी दिल्ली माइन, लाल किले के पीछे गौतम के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में, दिल्ली छे की गलियां यहां की सोनी कुड़िया उड़ा के इनको ले जा दिल की कश्ती में, छोले भटूरे सोन हलवा पूरी कचोरी का है जलवा, महक उठे सब चप्पा चप्पा, मुंह में गले जो गोल गप्पा, लाल किले के पीछे कुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में, ओए 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 तुम सारा दिन मस्ती करते रहते हो, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी धुलाई कर देते। ऑटो रिक्शा पकड़ना था, मरवा दिया। मैं क्या करूं? दिया, तू अंदर बैठ, वो आ जाएगा अपने आप। अबे मुंह क्यों छुपा रहा है, हर अंगल से पहचानता हूँ तेरे को। आ जा, 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 जा। चल, चल, पलट।
सब देख लिया मैंने। आजा 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 आजा। क्या हुआ? वो मेरे डैडी। अंकल, हेलो अंकल। जी तेरा गुड़िया। कहाँ जाना भाई? बोलो। मैं क्या बोलूँ, तुम ही बोलो। अंकल रोहिणी मेट्रो वर्क छोड़ दीजिए ना प्लीज। ठीक है गुड़िया, ठीक है। ये आ गया मेट्रो वॉक। अंकल कितने पैसे हुए? क्या है गुड़िया, तेरे को क्या लगता है तू पैसे देगी और मैं ले लूंगा? सॉरी अंकल, थैंक यू अंकल, बाय। अच्छा गुड़िया, बाय डैडी। ओ बाय डैडी के बच्चे, इधर आ। कहाँ लेके जा रहे इसको? वो लिबर्टी के शोरूम से जूते लेने थे उसको। अच्छा, और तू उसके जूते का थैला उठा के फिरेगा उसके साथ? डैडी मैं तो बस अबे जा, इंतजार कर रही है तेरा। अच्छा सुन, ये ले 500 का नोट। हाँ, खर्चा करने में तंगी मत करियो, लड़की को पहली बार लेके निकला है। जी डैडी। अच्छा सुन, पिक्चर चले जाइयो। जी। अच्छा सुन, वो पिक्चर देखते होते ना जरा। क्या डैडी? उल्लू के पट्टे में बात तो कोई जरूर होगी, जो इतनी सुंदर लड़की को पटा लिया। गया भी तो किस पे है, बाप पे। बातें कम, बातें कम। अब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या हुआ जी? सुषमा जी, कमाल का सीन देख के आ रहे हो। पिक्चर गए थे? पिक्चर ही समझ लो। कौन सी? लंगूर की चोच में अंगूर। लंगूर की चोच नहीं होती, कौवे की होती है। पर तेरा बेटा तो लंगूर ही है, अब ये पूछ कि अंगूर कौन है। अंगूर कौन है? है एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया, अपना कुकू उसे मेट्रो वॉक में लेके घूम रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा इसको शॉपिंग करा रहा हूँ। मैंने कही तू इसका कुली बन के घूम रहा है क्या? नाम क्या बताया? कुकू। उस लड़की का नाम? अरे वो तो मैंने। अच्छा तुम लोग भाग दो, पढ़ते रहो, मैं भी सवाल पूछूंगी। आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हें भी इसी मॉल से इसी ब्रांड के जूते लेने थे? डफर ये आज का स्टाइल है। अच्छा ओके ओके। किसको फोन लगा रही है भाई? अपने बेटे को। अरे पर इतने बड़े मॉल में कहाँ ढूंढेगी उसको? ओ तेरी आंखों से लग रहा है तूने उसको मोबाइल फोन दिलवा दिया। किससे पूछ के दिलवाया भाई? खुद से फैसला किया। तब ठीक है। देसो कूल ना? हाँ कूल कूल। ओए मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। बेटा कहाँ है तू, क्या कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं मम्मी। हाँ तो बस बहुत अच्छी बात है, फिर तो फटाफट घर आ जा। हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर डिलाइट में पिक्चर देखेंगे, रात का शो। मम्मी पर रात को तो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा होगा। हाँ मम्मी। मम्मी रात को कोई फुटबॉल खेलता है क्या? क्यों, आजकल तुम लोगों का होता है ना, क्या है वो डे एंड नाइट फुटबॉल मैच, डे एंड नाइट क्रिकेट मैच। मम्मी साफ साफ बोलो ना क्या बात है। साफ साफ बात ये कि उस लड़की को लेकर तू फौरन यहाँ आ जा, मुझे उससे मिलना है। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? ज्यादा एक्टिंग मत कर, तेरे डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा नाम क्यों ले रही है? तू आता है या मैं आऊं? हाँ आंटी हम लोग आ रहे हैं। रमेश सबीर अब इधर आ, अभी नीचे को देख। आओ अबे। ओए क्या कर रही हो तुम? डैडी ने तो पीटना है, तुम मम्मी से भी चप्पले खिलवाओगी? डैडी से तो मैं मिल ही चुकी हूँ, अब मम्मी से भी मिलना है और तुम्हारा घर भी तो देखना है। अरे कुछ भी नहीं है मेरे घर में, माचिस की डिब्बिया की तरह तो है मेरा घर। और मेरे मम्मी डैडी बिल्कुल डफर है। डफर लोग मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें पता है ना। हेलो अंकल। अरे गुड़िया। डैडी हाँ जी वो आ गई। कौन? वो कच्चे में निकली है उसने। अच्छा नहीं हुआ। कौन आई? ये यही है? माही। ओ जी ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं तुझसे कह रहा था ना, आपने जितना बताया ना उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी। आओ बेटा दाल सब्जी बना दी है, लाज की चपाती बना रही थी। ओ सुषमा जी दीवानी हो गई हैं आप, इसको ये खाना खिलाएंगी? अरे कहीं रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट में ले चलते हैं। पोस्ट ऑफिस। आप पीना बंद हो गया चले। नहीं अंकल मुझे यही खाना खाना है, दाल मेरे पसंद की है, उड़द की।
मूंग की है बेटा। बैठ जा, तू भी बैठ जा। चलो जी बैठ जाते हैं। लो जी बैठ गया। क्या ओ भाई, कायदे से बैठा जाता है ना, लड़का लड़की। कुली जी सामान रखो, बैठो। सड़ा सा मुंह क्यों बना रहे हो, बैठो बैठो। आजा मेरे बच्चे। ये ले बेटा, ये तेरी प्लेट, ये मेरी प्लेट, इसके पास है, ये इसके लिए। और ये ना हमारे घर का नैपकिन है, जब चाहिए हो बता देना। ओफो जी, ओ मटर पनीर ले। मुझे पता होता ना कि तू आ रही है तो मैं अच्छा अच्छा स्पेशल बनाती। अरे वाह, चिवड़ा भी निकल आया और मटरी भी। सबका सब खाना है। आंटी मैं इतना सब नहीं खा सकती। अच्छा थोड़ा थोड़ा सब खा लेना। कौन सी क्लास में पढ़ती है? जी टेंथ में। उम्र क्या है? मम्मी तेरे से पूछा मैंने। ओए चुप। जी 15 की। और ये उल्लू का बट्टा 17 को होने को आया है, अभी तक 11वीं में पढ़ रहा है। जिस दिन पास हो जाएगा ना उस दिन मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। आप रहने दो। हाँ इनकी आदत है इसके पीछे पढ़ने की, वरना इनको भी पता है कि लाखों में एक है इनका बेटा। लो जी लो, खा बेटा खा, गरम गरम खा। गुड़िया आप भी तो खाइए आंटी। तू खाएगी ना बेटा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। बचपन में मैंने इसकी फोटो खींची, ये दंगा खड़ा हुआ था। यार आप भी। ये ले बेटा मक्खी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं नहीं आंटी, ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे बच्चे घर में दूसरे भी लोग हैं, सब चख लेंगे। तेरे घर में कौन कौन है? जी मम्मी और पापा। तो क्या करते तेरे पापा? मम्मी क्या, तू चुप कर, तेरे से बात। जी वो एडवोकेट है। एडवोकेट? अब एडवोकेट मतलब जो बहुत बड़े वकील होते हैं ना, जिनकी फोटो मैगजीन और अखबारों में छपते हैं वो। ओ मतलब तू ये कह रही है जैसे कि ये ये मैंने आज ही देखा है, ये यही तो है मेरे पापा। ये तेरे पापा हैं? जी। ये तो फोटो में ही बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। लंदन से फोन। हेलो भाई को फोन देना। जी हेलो मामा, हाउ आर यू? हाय मेरा बच्चा कैसा है? आप घर कब आ रहे हो? बेटा मैंने कहा तो था मोहित। एक्सक्यूज मी, वो तो मुझे पता था। लेट मी टॉक टू माही। हेलो माही, क्या हाल है बेटा? बस ठीक है पापा। एनीथिंग यू वांट फ्रॉम लंदन? नो पापा। ओके देन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स पापा, सेम टू यू। ओके बाय माही। बाय। टन टन हो गया अपना न्यू ईयर, बी हैप्पी। टन टन तुम क्या सचमुच रात को घर नहीं जाओगी? नहीं। मम्मी डैडी से क्या बोला है? तुमसे मतलब? अरे बोलो ना। मम्मी डैडी फिर लंदन गए हैं। अरे वहां कहां जा रही हो? इधर आओ, डांस करते। घर पे पता चल गया ना तो बहुत धुलाई होगी। ठीक है बचाने मत आना। मैं खुद बचूंगा तब ना, मेरे डैडी मेरी कुछ कम धुलाई नहीं करने वाले। और मम्मी? मम्मी मम्मी ने ही तो बचा रखा है, वरना मैं तो कब का तय हो चुका होता। अरे ऐसे नहीं करते। अरे वाह तुम्हें तो सारे काम आते हैं, अब मैं तुमको हर वक्त डफर नहीं बुलाऊंगी। थैंक्स। डैडी के स्टॉक में से उठा के लाई हूँ, तुमने पिए कभी? नहीं लेकिन फिल्मों में बहुत बार देखी है। मुझे दो ना, मैं खोलता हूँ।
खाली करो बॉटम्स अप। अब तुम ठीक हो ना? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तुम ठीक हो ना? ये चक्कर क्यों आ रहे मुझे? चलो तुम सो जाओ अब। तुम किधर जा रहे हो? इधर आओ। काम। अरे तुम किसी लड़की के साथ कभी सोए हो? अब कुकू नहीं। मुंह तो देखो अपना, एकदम लाल हो रहा है, घोचू लग रहे पूरे। अच्छा, किसी लड़की को किस किया है कभी? चलो मुझे किस करो। हाँ ही, मुझे देखना है कैसा लगता है। करो ना। अच्छा नहीं लगा? पता नहीं। चलो फिर से करके देखते हैं। ठीक होगा क्या? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? टफो। गुड मॉर्निंग। अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे ना? क्यों? क्योंकि कोई लड़का किसी लड़की के साथ रात बिता लेता है तो फिर उसे नहीं मिलता। ये तुमसे किसने कहा? मेरी फ्रेंड्स ने। रब्बिश है। तो तुम मुझसे मिलोगे क्या? ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं, लेकिन हाँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तसल्ली दे रहे हो ना? नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। तो फिर ठीक है, जब प्यार करने लगो तब बता देना। ओके। सो आर वी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। बदला समा है, खुशबू रवा है, रंगों में डूबा मेरा जहां है। हाँ, है कितनी हंसी तेरी दोस्ती। हाँ, लगी है नई मुझे जिंदगी। अब चाहे हो खुश या चाहे हो गम, I'll be there for you। यारी तेरी मेरी कभी ना होगी कम, I'll be there for you। Yeah।
लेंगे देखना, हम आसमां के हो लेंगे देखना यारा, हम बादलों पे डोलेंगे। गिरते थे संभलना है, अब साथ में चलना है, अपने ही रंग में दुनिया को रंगना है। गिरते थे संभलना है, अब साथ में चलना है, अपने ही रंग में दुनिया को रंगना है। अब चाहे हो खुशी या चाहे हो गम, I'll be there for you। यारी तेरी मेरी कभी ना होगी कम, I'll be there for you। No, definitely not, Mr. Balla. अरे अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर मैं हूँ ना। Okay, no, next week I'm going to UK, मैं वापस आती हूँ आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं हो जाएगा, जज अपनी जान पहचान कर। All right, okay, bye. Yes, Robin? जी, जी, कुछ बात करनी है? हाँ जी, मैडम ने कहा कि लड़ते वक्त आप उन्हें स्पॉट से पिकअप कर लें। ठीक है, कर लेंगे। और कुछ? नहीं जी सर, और एक बात है आपसे बेबी के बारे में वो। आरज नहीं बोलो। Sir, Mr. Mehta has come. नहीं, उसको बोलो कि नेक्स्ट वीक कोर्ट से पेपर आ जाते हैं, फिर बात कर लेंगे। ओके, ऑलराइट, एंड सेंड लोकेशन। ओके सर, 2000 का जर्नल। या बोलो रॉबिन, क्या कह रहे थे? सर मैं बेबी के बारे में कह रहा था कि वो आजकल गाड़ी लेके नहीं जाती, मैं खड़ा रहता हूँ और वैसे ही निकल जाती है। बुलाए सर? हाँ मुकेश, मुझे शायद यूके जाना पड़ेगा जी, तो आलूवालिया केस के लिए एफिडेविट तुम दे दो कोर्ट में, ठीक है जी सर, और आगे की डेट ले लो। राइट सर, कुछ और? नहीं, दैट्स इट। ओके सर, राइट। बोलो रॉबिन, क्या कह रहे थे तुम? सर मुझे लगा कि आपको इतला जरूर कर देनी चाहिए, वैसे बेबी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी साहब अकेली बच्ची सुने घर में बेचैन हो जाती है, आप लोगों को उसके लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकालना चाहिए। रॉबिन, सॉरी आई वाजंट लिसनिंग। बोलो। ये तीसरा साल है कि जब आपने उसका जन्मदिन नहीं मनाया सर, ये ठीक नहीं है। रॉबिन रुको, ऐसा करते हैं रॉबिन, पहले कनॉट प्लेस जाके माही के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, हाँ उसके बाद जाके मैडम को पिक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुजी। गुड इवनिंग मैडम। माही घर पे ही है ना? जी। हाय। हेलो। हाय। बैठो बैठो, हम लोग भी बैठ जाएं तुम्हारे साथ? जी पापा। प्लीज बैठिए अंकल। थैंक यू। अच्छा पार्टी हो रही है, बियर शेयर भी चल रही है। अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी माई? जी मैं शतबीर। हाय। मुश्ताक सर। हाँ मुश्ताक। आई एम रमेश। और ये कबीर। कबीर, कबीर तो स्कूल का नाम है सर, लौंडे लोग तो कुक्कू बोलते हैं। तुम कहाँ मिली इन लड़कों से माई? पापा ये मेरे फ्रेंड्स हैं। जाहिर है तुम्हारे घर आए हैं, फ्रेंड्स ही होंगे तुम्हारे। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई इनसे? मेरे स्कूल के फंक्शन में। हाँ वो क्रिसमस के फंक्शन में मिले होंगे, वो सेंट माउंट आबू के लड़के आते हैं ना वहाँ, अपने दीप का बेटा भी तो वहीं जाता है। अच्छा अच्छा, आप लोग सेंट माउंट आबू के हैं? नहीं नहीं, नहीं हम नहीं, नहीं सर, लाला दीनदयाल चैरिटेबल हायर सेकेंडरी स्कूल बेरी वाला। आई सी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, फीस वगैरह नहीं होती होगी शायद। नहीं 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 नहीं, होती है और है, थोड़ी वो कम होती है। आई सी। कुकू ने तो 6 महीने से नहीं दी सर। आप लोग रहते भी वही हैं उसी इलाके में? बेरीवालान, सब्जी मंडी के पास। अच्छा, वहाँ भी पीछे कुछ मलेरिया फैला हुआ था ना? नहीं सर, हमारे यहाँ तो डेंगू फैला था, मलेरिया का जोर तो जमना पार था।
आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे डैडी के ऑटो रिक्शा है। होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट? नहीं नहीं वो चलाते हैं। मेरे अबू की लॉन्ड्री है सर। पापा जी ये गैराज है जीटी रोड। और मेरे डैडी डीटीसी। वेल दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग बंच ऑफ पीपल। नाइस फ्रेंड्स। नाइस मीटिंग यू ऑल। गुड नाइट। अंकल कबाब खाएंगे? जाओ मस्जिद। थैंक यू। गुड नाइट। तुम्हारे पापा की तरफ से बर्थडे प्रेजेंट था। ही वाज फीलिंग सॉरी। ओके बेटा ज्यादा देर मत करना। ओके ओके आंटी। गुड नाइट आंटी। बाय। गुड नाइट। देर तो वाकई बहुत हो गई। चल कुकु चल यार जल्दी कर। कम इन। माई तुम सोई नहीं अभी तक? आ जाओ मैं अंदर, तुमसे कुछ बात करनी है। जब कोई बात करता है तुमसे तो उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए? कपड़े भी बदले नहीं अभी तक तुमने। देखो माई, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं तुमसे तुम्हारे दोस्तों की शिकायत या बुराई करने नहीं आया हूं। ओके? मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि संग साथ अपने से बराबरी वालों से होता है। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल में लड़के पढ़ते हैं ना, अक्सर इनका ना तो क्लास होता है ना कोई बैकग्राउंड। और फिर अगर किसी के साथ आपका कल्चर मेल नहीं खाता, थिंकिंग रहन सहन मेल नहीं खाता, तो फिर उससे दोस्ती करके क्या फायदा? मैंने फायदे के लिए कोई दोस्ती नहीं की है। ओके आई बिलीव दैट। लेकिन हो सकता है उन लड़कों ने तुमसे फायदा उठाने के लिए दोस्ती की हो। जी नहीं। देखो बेटी प्लीज, माही कहते हैं माही कहिए, बेटी कहेंगे फिर कड़वी बातें करेंगे। अगर कड़वी बात भी करूंगा ना तो तुम्हारे फायदे के लिए करूंगा, नुकसान के लिए नहीं। और वो जो लड़का तुम्हारे साथ बैठा था, क्या नाम है उसका? कुकु। कुकु। और अब आप उससे दोस्ती तोड़ने की बात मत करिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी तो बहुत पछताओगी तुम। मैं नहीं पछताऊंगी। पछताओगी? नहीं पछताऊंगी। क्या बात हुई माही से? बात कर सकता कोई उससे? उल्टे सीधे जवाब देती है। इस कदर बिगड़ गई तुम्हारी लड़की और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अगर थोड़ा और वक्त बिताती उसके साथ ना तो ये नौबत नहीं आती थी। हफ्ता 10 दिन में एक बार उसे डांट लगा देते हो और समझते हो कि तुम ध्यान रख रहे हो? ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ माँ की होती है? बाप का कोई फर्ज नहीं होता। I'm not saying that, पाखी। मैंने बिगाड़ दिया? मुझे बनाने बिगाड़ने का वक्त ही कहाँ दिया तुमने मुझे? मैंने तो अपना काम भी छोड़ दिया था माही के पैदा होते ही। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मुझे अपनी बिजनेस एंगेजमेंट्स में लगा दिया। ओह प्लीज गेट। तुम्हारी बोरिंग पार्टीज अटेंड करना, तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करना। यू वांटेड टू वर्क पाखी। ये ज्यादा जरूरी हो गया। माही के लिए वक्त नहीं मिला मुझे। तो ऐसा करो, अच्छे सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, घर पे बैठो, माही के साथ वक्त बिताओ। ऑलराइट आई विल बी टू हैप्पी टू डू दैट। अब तो ऐसा ही करूंगी। लेकिन आप ये बताने की मेहरबानी करेंगे कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भड़क रहे हैं? तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखी उसकी हरकत। कैसी हरकत? बच्चे पार्टी कर रहे थे, मजा कर रहे थे, क्या गुनाह कर रहे थे? बाकी गुनाह नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरह सड़क के लड़कों को घर पे बुलाने का क्या मतलब है? कोई ढंग के दोस्त नहीं बना सकती वो अपनी क्लास के। एंड डिड यू सी दैट बॉय? दैट बॉय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वो कुकु। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? अच्छा खासा क्यूट सा लड़का था। आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? माही ने बॉयफ्रेंड बना रखा उसको, एक दूसरे के मुंह से निवाला झपट के खा रहे थे वो। तो क्या ऐसा करने से तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाएगी? एक स्टेप ओसे 20। ये पिक कार्ड किसका है? मेरा। 50 रुपीस मैम। मैम आपको ओसे 20, 70 रुपीस।
किसके लिए ले रही हो? अपने लिए, आपको चाहिए? एक स्ट्रिप कॉम्बी फ्लम देना। दो मिनट भाई, मैच खत्म हो रहा है। अरे जाना, क्या कर रहा है? कुकू, अरे कुकू, I'm pregnant. अबे तू अकल का कोलू है दिमाग से बिल्कुल। अबे अकल के दुश्मन, रोमांस करते वक्त याद नहीं आया कि इसका एक और भी नतीजा हो सकता है? अब हो गया ना, अब तुम लोग डांटते रहोगे या कोई रास्ता भी बताओगे? अब एक ही रास्ता है, बस गिरा दो। क्या क्या बात कर रहे हो? पर अब करेगा क्या तू, ये तो सोच। माही ने बॉयफ्रेंड बना रखा है। तुमने नहीं देखा उसके अंदर क्या? ऐसा करने से तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाएगी। आई एम प्रेग्नेंट। बस गिरा दो। बस मेरे बच्चे को कोई परेशानी है? पैसे चाहिए? तो फिर कुछ बोलेगा भैया? सूट की तरह मुंह लटका के खड़ा रहेगा। बोलना तो पड़ेगा। हाँ तो बोल। बोल दो। बोल। मम्मी मैं सच्ची बोलने वाला हूँ। कुछ बोलेगा भैया? लगाऊं एक? माई माँ बनने वाली है। मम्मी 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 मम्मी
मम्मी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। पता है सुषमा जी ये क्या है? पता है क्या है जी? ओए तीसरा इनाम जीता है लॉटरी की टिकट का, 25,000 रुपए जीत के आ रहा हूँ। कितने? 25,000। इस बार तेरे को मसूरी लेके ही जाऊंगा, मजा करेंगे दोनों। आप बैठो, मैं लस्सी लेके आ रही हूँ। लस्सी? अरे लस्सी तो तू मेरे को तब पिलाती है जब मेरा ऊपर का डिपार्टमेंट खराब हो रहा होता है। अब भी हो सकता है ना जी? मेरा मतलब मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है, मैं भी लेकर आती हूँ। साइड दीजिए। अबे ये हो क्या रहा? माँ मक्खन लगा रही है, बेटा पढ़ाई कर रहा। अबे तुम दोनों साफ साफ बताओ, तुम दोनों का प्रोग्राम क्या चल रहा? ओ जी मैं साफ साफ बताती हूँ, सब साफ साफ बताती हूँ, पहले आप लस्सी तो पी लो। ओ मेरा है ना गाना गाने का दिल कर रहा है, लस्सी बाद में। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या? कौन? आज की रात होना है क्या, पाना है क्या? ओ जी बात जो है मैं कह ही देती हूँ, वो क्या है ना, आपको तो पता ही है कि कोको और माही एक दूसरे से मिलते रहते हैं, अब जवान है, जवान खून है, गलती तो हो ही जाती है, मैं भी कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ओ जी बात ये है कि माही कोको उसकी, ओ जी माही कोको के बच्चे की माँ बनने वाली है, कह दिया। ना जी हट जा। ओ जी ना, आपको मैं कह रहा हूँ हट जा तू। मम्मी ना, मैं बोल रहा हूँ हट जा तू, गलत सुनो, मैं कह रहा हूँ हट। अबे अबे ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ कहाँ है, कहाँ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो क्या होती है वो बड़ी प्यारी सी चीज, वो चक्कू? वो तो पहले से छुपा के रख दी मैंने। क्या? अच्छा ठीक है। हाँ इससे सर फोड़ूंगा उसका, सर फोड़ूंगा उसका। भाग भाग डैडी, वैसे भी 34 ने कहा था कि 17 साल की उम्र में तेरी जान को खतरा है। अबे ठहर, अबे घर से भाग के जाएगा कहाँ? अबे हट सब्जी, ठहर ठहर तू, अबे मोहल्ले में मजाक उड़वा रहा है मेरा, ठहर तू, ठहर। अबे ओए, अबे हट तू, जान बचा ले। अबे रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा तू, देख। अरे रुक तो सही, अबे अबे रुक जा उल्लू के पट्टे, दौड़ा दौड़ा के बाप की जान लेगा क्या? लुच्चे लफंगे, वो जरा सी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी तूने अपने मतलब के लिए, ये भी नहीं सोचा किसी की बेटी है वो, उसके भविष्य का क्या होगा? अबे क्या कर दिया तूने, कैसे कर दिया ये? ओ जी कैसे से आपका क्या मतलब है? तू चुप रह, हर बात में चखलना अच्छा नहीं होता। तेरे को नहीं पता कितना बड़ा पंगा लिया इसने अपनी जिंदगी से, क्या क्या उम्मीदें रखी थी हमने इससे, नालायक ने सब चौपट करके रख दी, देख कैसी आवारा और बच्चलन औलाद जनी है तूने। बस डैडी बहुत हो गया, डांट लो मार लो काट के फेंक दो, लेकिन ये गलत बात मत बोलो, मैं कोई आवारा और बच्चलन नहीं हूँ, जो कुछ हुआ एक्सीडेंट था, हमने कोई जानबूझकर नहीं किया है। देख एक तो गलती की है, ऊपर से सफाई भी दे रहा है। हाँ तो मैंने गलती की है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगा। कैसे भाई? वो मेरी बात माही से हो गई है, हम गए थे अबॉर्शन कराने पर। अबे अबे तेरे को पता अबॉर्शन कराना गैर कानूनी है, अब तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डैडी चल फांसी में क्यों ना लटक जा। ओ जी आपका ब्लड प्रेशर, ओ जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो क्या किया? मम्मी अरे अरे बैठ बैठ इधर, पैर ऊपर रखियो, पैर ऊपर रखियो, बैठ जा। मम्मी अब ठीक हो ना? आ गया तू, हैं आ गया तू, मार डालूंगा तेरे को मम्मी, मार डालूंगा। मत मारो इसे मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना डैडी को मत बताओ, वो नहीं समझेंगे, बहुत जिद्दी है। अबे उससे क्या बात कर रहा है, मेरी तरफ देख के बात कर। हाँ तो आप ही की तरफ देख कर बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ हुआ ना मैं खुद देख लूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा मैं। तकलीफ नहीं दूंगा ठीक है, तो अब तक जितनी तकलीफें दी है ना उसका हिसाब कर लेते हैं। अबे ये सिला दिया तूने हमारी कुर्बानियों का, स्कूटर चला चला के दिन रात तेरे को पाला है, खुद पेट भूखा रखा लेकिन तेरे मुंह में निवाला डाला है। तो सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, फर्ज की खातिर नहीं प्यार की खातिर करते, और आपके माँ बाप ने भी किया होगा आपके लिए, मैं भी करूँगा अपने बच्चों के लिए, आपने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। ना मुराद तुझे बस के सामने ढकेल देती हूँ, कैसा ही कदम। मैंने कही थी पैर नीचे मत रखियो, खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास चल।
खबरदार मुझे हाथ मत लगाइयो तू। अबे अबे उठा भी, अबे उठा, मम्मी डॉक्टर के पास चलो, दवाखाने ले चल मम्मी प्लीज, आई एम सॉरी। जल्दी कर शरवण कुमार, चल चल जल्दी कर। अशोक बजाज, कुलदीप सिंह, मोहित पुरी एडवोकेट, इतने सारे एडवोकेट्स हैं ना, और दुनिया भर में लड़ाई झगड़े भी तो कम नहीं हो रहे हैं, हम इसको ढूंढे किधर? ओजी वही है मोहित पुरी। कौन सा वाला? जिसने ग्रे कोट पहना है। ओए हाँ, ये तो शक्ल वैसी है जैसे फोटो में थी। आओ जी वही है। चल, पुरी साहब, मैंने कहा पुरी साहब। What is it? मेरा नाम नरेंद्र पंजाबी है और ये मेरी मिसेज है सुषमा पंजाबी। देखिए अगर आपको साहब से कोई काम है तो पहले आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। नहीं नहीं भाई साहब, आपको बात समझ में नहीं आएगी, हम दोनों कुछ आपस में बात करने वाले हैं, हमारा कुछ पर्सनल टाइप का मामला है। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। मिले नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? पर मेरा बेटा कुकू है ना, वो आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता है। बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है दोनों में। मुद्दे की बात पे आइए प्लीज। मुद्दे की बात ये है कि अब उसे करेक्ट करने की बात करो। Being a brute won't help. तुमसे राय नहीं मांगी मैंने। She's going to America. वही उसका अबॉर्शन होगा, वही पढ़ाई होगी इसके आगे की। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। What? What did you say to me? Enough. Enough is enough. Now stop it. You pack your bags, okay? And you get ready to go, okay? Papa! Papa, don't touch my phone! No more phones. No phones, no computer, no internet. Stop all modes of communication. क्या हुआ बे? फोन लगा क्या? आउट ऑफ सर्विस का अनाउंसमेंट आ रहा है। मुझे लग रहा है माई किसी परेशानी में। मैं जा रहा हूँ उसके घर। जा तू जा, ज्यादा से ज्यादा वॉचमैन वगैरह तेरी खूब जमकर पिटाई करेंगे। अबे चुप, रुक, सुन, तू इसकी बकवास मत सुन, जाके पता कर चक्कर क्या है। और सुन, ये मेरी चाबी ले जा बाइक की, संभल के जाइए। मोरे सैया, मोरे सैया। मुझे अबॉर्शन करने को कहा तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। I'll hate you till my last breath. चलो कुकु प्लीज जल्दी चलो। निभाना जाना, बीच में छोड़ न देना, दिल को दिल से लगा के जाना, दिल को तोड़ न देना।
मेरा ताज इंटरकॉन्टिनेंटल का हनीमून कॉटेज। वैसे घर है किसका? फिलहाल तो इसे भी अपना ही समझो। दरअसल वो रूपा जी के गुजर जाने के बाद उनके आधा दर्जन बेटों में कोर्ट कचहरी हो गई, तो बस कानूनी चक्रों में मकान भी लटक कर रह गया। पिछले 5 साल से कोई नहीं आया और अगले 15 साल तक कोई आएगा भी नहीं। लवर्स तुम ही आराम से रह सकते हो। और हाँ, मार्केट वार्केट कुछ पास में नहीं है, दूर दूर तक नादम नादम जात। माई छोड़े, कोई और जगह ढूंढे। ब्यूटीफुल, मैं तो हमेशा से ऐसे घर में रहने के सपने देखा करती थी। इट्स सो नेचुरल, सो ग्रीन, सच प्योर ऑक्सीजन एंड सच प्योर गोबर। माई बनाई थी इसके फुले, वो कभी इस पे बाटियां देखेगा। पॉकेट मार, तुम चश्मा लगाते हो? झूठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अबे लगा। अच्छा प्यारे, हम तो चलते हैं। You are on your own now. Thanks for everything. Y'all are true friends. चलो bye. 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 Take care. आइए आइए वकील साहब, पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा था कि आप मेरे घर जरूर आएंगे। आपने तो यहाँ आके छोटे से आदमी को बड़ा ही खुश कर दिया। नमस्ते, बड़ा अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अब बच्चों से तो नादानी हो ही गई है, पर हमें तो समझदारी से काम करना है ना जी। ये लीजिए, बैठिए वकील साहब जी। बैठिए 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 बहन जी। भाई कहाँ है? भाई, मैं तुम लोगों की चालाकी खूब समझता हूँ। तुम मेरे ऑफिस आए थे मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से। हाँ, जब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चला तो मेरी बेटी को अगवा करवा लिया तुमने। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम मोहित पुरी है। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे, समझे? बल्कि तुम दोनों पर किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगा और तुम्हारे सवारा बेटे पर रेप का। अगर तुम लोगों से जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना तो अपना नाम बदल दूंगा। कुकू के पापा? ओए सबर कर, सबर कर। इम्तिहान लेता है वो कभी कभी, पर पास कर लो ना तो इनाम भी वही देता है। वो ऐसा है वकील कि मैं बड़ा ही खड़ दिमाग बिगड़ायल आदमी मशहूर हूं। जो कोई मुझसे टेढ़ी बात करे उसकी जूतों से खबर लेता हूं। कैसे? जूतों से। फिर भी आपकी बदतमीजियां गम खा के बर्दाश्त कर रहा हूं। किस लिए? वो इसलिए कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की नहीं आपकी बेटी की भी फिक्र है, क्योंकि देखा जाए तो अब वो भी मेरी बच्ची ही है। मैं तो आपके पास आया था झोली फैला के बच्चों की खुशी की भीख मांगने। कहा था आपसे गुस्से से बात बिगड़ेगी, पर आपने एक नहीं सुनी। और अब मुझे भी घबराहट होने लगी है कि कहीं सचमुच आपकी बात ही सच ना निकला है, कहीं सचमुच बच्चे निकल ही ना गए हो इधर उधर। मेरा कुक्कू भी 2 दिन से नहीं आया घर। बाकी कॉल द पुलिस ना, डीसीपी बरुआ को फोन लगाओ। अगर तुम दोनों को आज मैंने हवारात में नहीं सड़ाया ना तो अपना नाम बदल दूंगा मैं। अबे ये क्या बार बार नाम बदल लूंगा, नाम बदल लूंगा रहा रखा। नाम है क्या तेरा? मोहित पुरी? पुरी भाजी कचौड़ी। लिसन, अबे आदमी है कि साला पराठा। अबे ये लेडीज साथ ना होती ना तो अब तक धक्के दे दे के बाहर कर दिया होता। शट अप, यू शट अप एंड गेट आउट माय घर। चल निकल बाहर से। हाथ मत लगा, समझा ना? हाथ मत लगा, तो जूते लगाऊंगा। जेल भिजवाएगा मैं तो। आज कोई आज नहीं तो नाम बदल के पराठा रख लेना। अब मारा मेरे को, मैं घुसेड़ दूंगा। जहां से निकला है ना वहीं घुसेड़ दूंगा। इसे जो 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 पराठा तेरी वो हालत करूंगा। ये ले, तू समझता क्या अपने आप को है? मेरा वो हालत में लेके जाएगा। चल चलो हालत में देखते हैं। यो हरज, यो हरज, 20 साल चक्की पिसाऊंगा तुमसे। एक ही बेटी है मेरी। अबे अगर 3 होती तो उनको झोंक देता भाड़ के अंदर। अबे बेवकूफी की दलील देता है और अपने आप को वकील बोलता।
सर यहाँ का इंचार्ज इंस्पेक्टर सिंह है, मैंने उसे मना लिया। कह रहा है कि अगर दोनों पार्टियां गले मिलकर बात को खत्म करती हैं तो वो कंप्लेंट खारिज कर देगा। क्या तुम उससे गले मिलने की बात कर रहे हो? मैं उसका गला घोटने की सोच रहा हूँ। सर मौके की नजाकत को समझो सर, बाहर इतने सारे प्रेस वाले खड़े हुए हैं, अगर उनमें से किसी एक को जरा सी भी भनक पड़ गई ना इस केस के बारे में तो सर आपकी तस्वीरें छप जाएंगी अखबारों में। सर उस रिक्शे वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी बदनामी हो जाएगी पूरी सोसाइटी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अरे आओ आओ वकील साहब, बैरिस्टर साहब, पूरी साहब, भाई आप हमारी इस चौकी में आए, हमारे तो बाग ही खुल गए और चौकी खुश हो गई सर। पर सर यो के कर दिया आपने, इतने बड़े कानूनदार होकर कानून तोड़ दिया, गरीब के घर में घुस गए, ट्रेसपासिंग। अच्छा भाई पंजाबी चल खड़ा हो और गले मिल ले। अरे गले मिल ले यार, अरे तू कहाँ अदालत के चक्कर काटता फिरेगा, और वैसे भी छोटी सी बात थी, एक गलत फहमी थी वो दूर हो गई, चल चल खड़ा हो जा। मिल लो गले। बस हो गया, अभी तक मानना ये कंप्लेंट की काफी फाड़ी नहीं है। अब मान भी जाओ। अगली बार तेरा वारा बेटा मेरे सामने आना तो खैरियत नहीं उसकी, समझ ले। मेरा बेटा वारा है तो तेरी बेटी क्या? सवाल संभाल के बात कर पंजाबी। पराठे आइंदा अगर मेरी तरफ आया ना तो आंखें फोड़ दूंगा तेरी। अगली बार देखेगा साले तो पहले गोली मारूंगा बाद में पूछूंगा। अबे बहुत देखे गोली मारने वाले, मैं ही तेरा गला दबा के ना फांसी पे लटक जाऊंगा। चुप कर। चुप। ₹5 का दोना है दीदी जी, पैसे दोना। ओ, ये क्यों वाली? ₹10 के। हे कैंडल्स, ए इधर। अरे कितने सुंदर कैंडल्स है ना मैडम, यहाँ की स्पेशल। अच्छा। फॉरेनर्स तो बहुत सारी खरीद कर ले जाते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं, रात को खाने के वक्त जलाएंगी तो डिनर रोमांटिक हो जाएगा। ओके ओके मैं लेती हूँ। भाई कुछ दिनों में ना तुम्हारा पेट भी ऐसा हो जाएगा। स्टूपिड। मेरा कार्ड कैंसिल हो गया, कैसे? मुझे पता है पापा ने कैंसिल करवाया होगा, वो समझते हैं कि घबरा के मैं वापस घर चली आऊंगी, लेकिन मैं क्यों घबराऊं? तुम हो ना मेरे साथ। Of course. बस तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं। वो क्या कहते हैं, हिम्मते समथिंग तो समथिंग समथिंग खुदा, हिम्मते मर्दा तो मदद है खुदा। करेक्ट, लेट्स गो। वाओ इट्स सो गुड हियर, मेरा तो मन करता है सारी जिंदगी यहीं बिता दूं। मेरा भी, सोच रहा था सामने का झाड़ झंकार साफ करके कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां उगा दी जाए, बैंगन भिंडी ककड़ी कैंडी। व्हाट? कैंडी भी तो उगा सकते ना, कैंडी एंड चॉकलेट। शट अप टफर। कितना अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक अ ड्रीम। वो कहावत सुनिए, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। फिर दोस्त पर जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। यू सो क्लेवर। ओह गॉड, अच्छा अरे की बारिश, कैंडी ले लो। अरे कैंडी छोड़ो जल्दी। ओके चलो चलो भागो भागो। चल चल ऊपर देखते। ओह शिट, ओह गॉड। अरे अरे पहले वो खिड़की तो बंद करो। ओह गॉड, ये तो पूरा का पूरा घर चूर है। प्लास्टिक शीट डालनी पड़ेगी छत पर। अरे तुम भी पूरे के पूरे भीग चुके हो, रुको इधर आओ। थैंक यू। ड्रीम नहीं बोलना चाहिए था ना, सपने तो टूट जाते हैं। कम ऑन माही, डोंट बी सिली। मैं भी कितनी पागल हूँ, बेकार कितने रुपए खर्च करवा दिए, क्या जरूरत थी कैंडल खरीदने की? हो गया ना। तुम तो पागल नहीं हो ना, तुमने क्यों मना नहीं किया? तुम कितनी खुश थी। और अब जो दुखी हो रही हूँ। कितने रुपए बचे? होंगे कोई 250-300। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए और मेरा कार्ड भी कैंसिल हो गया। अब डोंट वरी माही, पैसे भी मैं सोच रहा था कोई काम ढूंढूं, पैसे कमाऊं, आखिर हम माँ बाप बनने जा रहे हैं।
हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। You're so cute. लो, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के आना। अच्छा, जिसमें बहुत सारे रुपए मिलते हो। हाँ ठीक है, I'll be waiting for you. और खाना भी बना के रखूंगी। ओके बाय बाय। अरे ओम भैया, यहाँ पे कोई काम मिलेगा अच्छा सा? कौन सा काम जानते हो? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कोई भी काम कर सकता हूँ। नीचे बाजार में चले जाओ, वहाँ से मजदूरों को लेकर लॉरी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है। अभी गई नहीं होगी, बाकी जाओगे तो मिल जाएगी। थैंक यू भैया। महेंद्र बताओ। शंकर। शंकर। विष्णु। विष्णु। अरे अरे अबे, अकल से काम कर, नहीं तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जी गॉड, इस काम में भी अकल लगानी पड़ेगी। चल तक गया, 20 बोरी और लानी है। अरे संभल के, मरेगा क्या? अरे ऊपर देखकर काम कर, अभी कुछ हो जाता तो। ए, दिहाड़ी तो ले जाए। हाँ। और सुनो, ये कड़ी मेहनत का काम है, तुम्हारे बस का काम नहीं है, कल से मत आना। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। उत्तम चंद, तेरे इश्क के खातिर जाना, जख्म में सारे सहूंगा। कर डालनी थी बस इतने ही। नहीं नहीं, बहुत है, खर्चा थोड़ा कम कर लेंगे, चल जाएगा। चलो खाना गर्म करती हूँ। कुकु, देखो तो मैंने आज क्या बनाया। नूडल्स। वाओ, यू सो क्लेवर। चलो शुरू करो। काम किया था आज? नहीं नहीं, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मिला है ना, तो शुरुआत में थकान लगती है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। ओके ओके। गेट अप मैन, काम पर नहीं जाना है। अरे, लेट हो गया।
बाकी शाम को आके खा लूंगा, देर हो रही है। अरे सुनो, सैंडविच तो लेते जाओ। हाँ। और अपनी हिम्मत से ज्यादा काम मत करना। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग कम पैसों में भी काम चला लेंगे। सुना? ओके, ओके। सर, आज लेट हो गया। पर यहाँ आज काम नहीं मिल सकता, आज के मजदूर पूरे हो गए। वैसे भी ये काम तुम्हारे बस का है नहीं, कहाँ से आए हो? यहाँ के रहने वाले तो हो नहीं, घर से भागकर आए हो क्या? सुनो, बस्ती में मुकुंद सेठ की गैस की एजेंसी है, कह रहे थे डिलीवरी मैन की जरूरत है, जाके मिल लो, कह देना थापा ने भेजा है। थैंक यू। ठीक है ठीक है। साइकिल चलानी आती है? फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। भरा सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, खाली वापस लाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर कभी बदली किया है? हाँ, अपने घर पर ही करता था। लो सिलेंडर ला दो। थैंक यू। ठीक, पगार छठवें दिन से मिलेगी, 5 दिन की सिक्योरिटी रखूंगा। सिक्योरिटी किस बात की? साइकिल टूट गई तो, अचानक गायब हो गया तो, नहीं तो रहने। नहीं, नहीं, मैं करूंगा सर। ये ले एड्रेस, पकड़ो और निकलो। हाँ? एक और की जगह है सर। साइकिल में घंटी नहीं है। घंटा है, आधा मील दूर सुनाई देता है। अब निकल, संभल के चल। हाय माई। हाय, ये क्या उठाला है? आज का अखबार है, सेठ ने पढ़कर फेंक दिया तो मैं उठा लाया। ये मेरा नया सेठ है ना, मुकुंद सेठ, इसके यहाँ गैस के सिलेंडर की डिलीवरी का काम मिला है। 3-3, 4-4 सिलेंडर टांग देता है एक साथ साइकिल पे। और ये साइकिल है ना, अरे साली माँ खचाड़ा है। सॉरी, ब्रेक वेक कुछ नहीं है, ढलान पर जब भागती है ना तो ना रुकते बनता है ना उतरते, दिल उछल के गले में आ जाता है और पिछवाड़े की तो बैंड बज जाती है। हाँ, मैंने देखा था। तुमने देखा था? तुमने कहाँ देखा? जहाँ से तुमने फ्रूट खरीदी थी और मैंने बेर खाए थे। अच्छा, तुम क्या वहाँ बेर खरीदने गई थी? नहीं, बेचने। है? अच्छा, ये खिटखिट बंद करो और जल्दी से हाथ धो के और खाना ठंडा हो रहा है। चलो चलो। बोलो, आज मैंने क्या बनाया है? नूडल्स। टन टन। नवरत्न पुलाव। देखो माई, ये बेकार का खर्चा मत करो अभी, अभी तो मुझे तनख्वाह भी 5 दिन बाद मिलने वाली है। कोई बात नहीं, इंतजाम है मेरे पास, लो तुम खाओ। कुछ भी।
भाई मम्मी डैडी बहुत परेशान हो रहे होंगे। काश मैं उन्हें बता सकता मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ। तुम्हें रोमिंग करवा लेना चाहिए था अपना फोन। इतना महंगा फोन दिलाया कुकू को, फिर भी आउट ऑफ रीच कह रहा है। आप जरा पता करो ना फोन कंपनी से कहाँ है हमारा बच्चा। सुषमा जी आप भी दीवानी हो गई हैं। वो बेचारे तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि फोन आसपास के एरिया में नहीं है, कुकू का पता थोड़ी ना बता सकते हैं। आप तो बहाने बनाओ, जरा भी फिक्र नहीं है आप। फिक्र ही तो कर रहा हूँ, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ। कल शहर के पीसीओ से जाके फोन कर देना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पापा जरूर मेरे डैडी से पूछताछ कर रहे होंगे। मेरे फोन करने का मतलब है सबको हमारी खबर लग जाएगी। फोन इज नॉट ए गुड आइडिया। सोच रहा हूँ उससे मिलाऊं, वकील से, मोहित पराठे से, शायद उसी ने अपनी बेटी की कुछ खबर ली हो। ना जी बिल्कुल नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखनी हमें। आ जाएगा हमारा बच्चा, घर से इतने दिन कहाँ रहेगा वो, तो उधर नहीं रह सकता मेरे बगैर। आ जाएगा तेज सवेर। कुकु, हमने घर से भाग के कोई गलती की है क्या? पता नहीं, वैसे हमारे पास और रास्ता भी क्या था। या दैट्स ट्रू अगेन। वेल लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सतबीर, तुम्हें तो पता होगा कबीर कहाँ है। नहीं मैम। माही, माही, माही,
क्या उठा लाए? पिछले महीने मैंने एक इंग्लिश कपल की बहुत सेवा की थी, जाने से पहले उन्होंने मुझे प्राइम दिया, अच्छा है ना? तुम्हें बच्चे के सिवा और कुछ सोचता है आजकल? तुम क्यों जल रही हो? आउच! क्या हुआ भाई? लात मारता है गुंडा। अरे वो लात क्यों मारते हो भाई? गुंडे क्या कह रहा है? हाउ डू यू नो कि मैं गुंडा हूँ या गुंडी? चलो फिलहाल मैं इसे स्टोर रूम में रख। अरे नहीं वानी, बच्चे की प्रेम कोई कबाड़े में रखने की चीज होती है? मेरे रूम में ले जाओ, मेरे आंखों के सामने रहेगी, मैं देख के खुश होंगी। अच्छा ओके। मैं भी चार पैसे कमा लूं तो इसमें कोई हर्ज है? चार नहीं, आठ पैसे कमा कर लाऊंगा मैं, लेकिन तुम काम नहीं करोगी। बस जरा हालत देखो अपनी, ताकत तो है नहीं, चार बूंद खून नजर नहीं आता जिस समय। देखो माई, तुम आराम करो और अपना ख्याल रखो। और तुम खटते रहो दिन रात, आखिर कितनी मेहनत करोगे तुम कुकू? जितनी जरूरत होगी अपने बच्चे के लिए सब करूंगा, और आगे तुम्हारी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा। चलो सो जाओ तुम चुपचाप। यू सो बैड। या आई नो। यस डीसीपी बरवा, आप तो कह रहे थे सारी दिल्ली आप अपनी हथेली की तरह जानते हैं। हाँ दो दिन में बच्चे मिल जाएंगे, फिर क्या हुआ? अरे आपने कंप्लेंट ना करके हमारे हाथ बांध रखे हैं पुरी साहब। अरे आप जो कहते हो कि बेकार की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, बेकार में बदनामी हो जाएगी। आप कहें हम तो हर तरफ खबर फैला देंगे, और हाँ जरूरत पड़ी तो अखबार में और टेलीविजन में भी तस्वीरें दिखा देंगे। नहीं मैं बताता हूँ बाद में, यह हाल चलियो। But keep trying, okay? बाद में कब मोहित, बाद में कब? पता नहीं किस झूठी शान में फंसे हुए हो तुम। तुम जरा भी फिक्र नहीं कि हमारी बेटी किस हाल में होगी। हाय। हाय। What's so funny? ये देखो एक मजे की खबर है। एक आदमी ने ना उसके बच्चे को तेज बुखार था, तो उसने उसको उठा के फ्रीजर में रख दिया ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। How stupid. वैसे क्या करना चाहिए? किस बारे में? यही, अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? पता नहीं, लेकिन फ्रीजर न हुए। इसी पेज पर दूसरी खबर भी छपी हुई है। देखो एक आदमी ने नेट पर ऑफर डाला है कि कोई आके इसका बच्चा ले जाए, क्योंकि उस बेचारे के पास पैसे वैसे नहीं है, बच्चे की जरूरतों की चीजें भी नहीं ला सकता। बच्चा हर वक्त रोता रहता है, बच्चे की माँ भी नहीं है, उस बेचारे को तो बच्चा पालना आता ही नहीं है। सर, भाई, लेकिन हम अपना बच्चा किसी को नहीं देंगे, है वो? करेक्ट, हम खुद पालेंगे, नहीं आएगा तो सीख लेंगे, लेकिन अपना बच्चा किसी को कभी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। अरे भाई क्या हुआ? पता नहीं अचानक ही दर्द। अरे कम कम, थोड़ी देर लेट जाओ, रिलैक्स, लेट जाओ। ओह गॉड, कुकू मुझे लेटा भी नहीं जा रहा कुकू। अच्छा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो। नहीं चला भी नहीं जाएगा कुकू। ओके डोंट वरी, कम। भाई रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी प्लीज हेल्प अस। हां हां डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे की दिल की धड़कनों की आवाज है, सुनोगी? डॉक्टर कुको को बुला दीजिए ना प्लीज, बेचारा कब से बाहर खड़ा है। सिस्टर उस लड़के को अंदर भेज दो। जी मैडम। डॉक्टर
तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हारे बच्चे की दिल की धड़कनों की आवाज है। डरा ही दिया गुंडे ने। डॉक्टर पर ये दर्द क्यों हुआ था? जरूर कुछ एक्साइटमेंट हुआ होगा। मैं कुछ दवाएं और टॉनिक लिखे देती हूँ, उसे बराबर देते रहना। अच्छा खाओ पियो, अच्छी बातें सोचो, नो टेंशन नो हार्ड वर्क, समझी बेबी? समझ गई बेबी मामा। समझ गई बेबी डैड। गाइस लुक, मोहितपुरी, मोहितपुरी। हेलो डीसीपी बरुआ। कहिए पुरी साहब। डीसीपी जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को प्लीज ढूंढ निकालिए। ओके। ये मेरी बेटी है और मुझे ये लड़का भी चाहिए, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। अच्छा ठीक है। अरे आप लोग बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए, प्लीज आप बाहर जाइए। जब ये बाहर आएंगे तब उनसे बात कीजिएगा, प्लीज आप बाहर जाइए। लेना है क्या? हाँ 12 रुपए। तीनों चाहिए। 36 रुपए। आउटलुक की बाकी कॉपी लेके रख। अरे सुनो, बाकी के पैसे तो लेते जाओ। मिस्टर पुरी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी का किडनैप कभी पंजाबी ने किया है? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। And I just want... Mr. Puri, क्या आप चाहते हैं कि कबीर पंजाबी को गिरफ्तार कर लिया जाए? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए। I just want my daughter to come back home. अगर किसी के पास भी माही पुरी की इंफॉर्मेशन है, सूचना है, तो वो प्लीज पुलिस को कॉन्टेक्ट करे। That's all. माही, if you can hear this, please come back home. Nothing. There's no revenge. Just come back. I just want my daughter to come back home. Whether it's Kabir Punjabi or anybody who has done it. Mahi, maine ye magazine market mein dekha. Rape? Kidnapping? My God. Kuku? Cool down. TV par bhi tumhare papa ka interview tha. Mera aur tumhara photo bhi tha. Ab? Kuch nahi. Agle hafte naya issue aa jayega. TV par nayi khabrein aa jayengi. Log bhool jayenge. अरे माही रिलैक्स, डोंट वरी यार, ऐसी खबरें तो रोज छपती रहती हैं, लोग उन्हें चटपटी जानकर देखते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। ओके बस अभी हमें कुछ दिनों तक घर पर रहना पड़ेगा, बाहर निकलने में खतरा है। I'm feeling very bad for you, Kuku. It's all right. कुछ नहीं होगा।
क्या करूं सुषमा जी, आप ही बताओ मैं क्या करूं। वो इतना बड़ा वकील भी तो हवा में हाथ पैर मार रहा है। अगर पता लग सकता तो उसे अब तक पता लग चुका होता, पर उसको भी कुछ नहीं सूझ रहा। भाई उसकी तो बेटी का सवाल है। अब तो बस यही दुआ करो कि बच्चे जहां भी हो सही सलामत रहे, उन पे कोई मुसीबत ना टूटे। अच्छा अंकल जी, हम लोग चलें? ठीक है भाई। अरे ये अखबार यहीं छोड़ जाइयो। अच्छा आंटी। हाँ बेटे खुश रहो, मेरा बच्चा। यार सबीर, रमेश बता दें यार नरेंद्र अंकल को। नहीं यार, अगर नरेंद्र अंकल को बता दिया ना तो वो कुकु के पीछे जाएंगे जरूर, और अगर वकील साहब ने उनके पीछे कुछ जासूस छोड़ा हुआ ना तो पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच जाएगी, तो मेरे ख्याल से तो नहीं बताना चाहिए। माही, माही, दरवाजा बंद कर लेना। ये लो 64 रुपए 50 पैसे। अब सर वो पैसे कौन? ये तो वही बदमाश है ना जिसका टीवी पर फोटो देखा था। ठीक नहीं है, जल्दी करो कुछ। बताओगे भी? हमें घर छोड़ना पड़ेगा अभी के अभी। कुकु, जो भी जरूरी सामान है पैक कर लो जल्दी। भाई साहब यार ये तो बात ही नहीं है। ओ भाई साहब जी, ये अब सूरज कोठी किधर होगी? यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा लेफ्ट जाके ऊपर पहाड़ी। ओके शुक्रिया, बहुत ही ऊपर जाना पड़ेगा जी। चलो भाई जल्दी।
सुबह की पहली बस पकड़ कर चले जाएंगे हम लोग यहाँ से, ये इलाका ही छोड़ देंगे। चलो। कहाँ? पूरी रात तो यहाँ रह नहीं सकते, पर ना ही वापस घर जा सकते। चलो। इशरत खान, सूरजमुखी कोठी, काला टॉप, डलहौजी। सुषमा जी, हाँ जी, पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है। सही पते पे तो आए ना जी? वो लड़कों ने जो पता दिया था वहीं तो आए हैं। हाँ जी। बत्ती देखे? हेलो पापा। माही, माही कहाँ हो तुम बेटा? माही तुम्हारी मम्मी एकदम परेशान है। फोन दो। हेलो माही, बेटा बेटा वापस आ जाओ, इतनी बड़ी सजा मत दो अपनी मम्मा को। हम लोग सारा वक्त तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं, अपन रात भर सोते नहीं, फोन के पास बैठे रहते हैं बेटा। मम्मा, प्लीज गिव द फोन टू पापा, मुझे उनसे बात करनी है। तुमसे बात करना चाहती है। हाँ माई, बोलो बेटा। मैगजीन में पढ़ा कि कुकु रेपिस्ट है और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे। नहीं माई, वो तो पापा कुकु रेपिस्ट नहीं है, मैंने उसे उकसाया था, उसे ज्यादा कसूर मेरा है। अब मुझ पर मुकदमा चलाई, मुझे सजा दिलवाई। भाई हुक्म की केस हमेशा मर्द पर ही चलाया जाता है, वो ही मुजरिम होता है और लड़की बेसारा विक्टिम। I refuse to accept पापा, मैं विक्टिम नहीं हूँ। भाई इट्स अ क्राइम, तू नाबालिग हो ना अभी। आप किसी अरबपति के यहाँ मेरी शादी करवा देते जहाँ मैं जिंदगी भर राज करती, तब मैं नाबालिग नहीं होती? भाई मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। आप मेरी बात सुनिए पापा, एंड डोंट इंटरप्ट मी नाउ। हम इतने भी बच्चे नहीं है, नादान या बेवकूफ भी नहीं। किस्मत ने हमें मिलाया, कुदरत ने हमें करीब कर दिया, तो इसमें हमारा कसूर कितना बड़ा है। मैं जानती हूँ कि पेट में बच्चा नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पर अगर आ गया जो कि कुदरत का ही करिश्मा है, तो अब क्या? पापा अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अबॉर्शन? पर अगर बच्चे का खून कर देना गुनाह नहीं है तो इतने सारे मुल्कों में ये गैर कानूनी क्यों है? चुपचाप बच्चा पैदा करके उसका गला घोट के अगर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाए तो क्या वो पाप या गुनाह नहीं होगा? और अगर ना मारे बच्चे को, पाल ले, तब तो दुनिया ही जीना हराम कर देगी। तब कौन सा रास्ता बचता है लड़की के पास? यही ना कि वो गले में फंदा डाल के झूल जाए। मैं बहुत बदतमीजी कर रही हूँ ना पापा, अब जरा सोचिएगा पापा, प्रेम करने की उम्र तय करने का हक किसको ज्यादा है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हरगिज बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में कुछ सोचे? I'm sorry पापा। I'm all right. रात अभी बाकी है, तुम सो जाओ, सुबह तक यहां से कोई भी बस नहीं जाएगी। बस माई पहुंच गए। चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, आइए आइए चंडीगढ़ दिल्ली, जल्दी चंडीगढ़ दिल्ली। ये बस दिल्ली जाएगी ना? जी जरूर जाएगी। चलो बैठते, चलिए बैठे जल्दी। सुषमा जी, कुकु, कुकु, चलो भागो। अरे रुक जा,
दलाल, अबे जंगल में दौड़ा रहे हैं, पागल हो गया क्या? अबे, अबे, वहीं पे रुक जा, मैं बोलता हूँ। भाई कब? संभल के, अरे बच्चे तेरे पेट में। चलो भाई। अबे रुक जाओ, लुके बच्चे। मैं तेरे पीछे नहीं भाग सकता, तेरे को अच्छी तरह पता है। अबे क्या कर रहा है ये? क्यों कर रहा है तू हमारे साथ? मैं तो रह गया अनपढ़, गवार, जाहिल, कुछ नहीं बन सका जिंदगी में। तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे हम, पर तूने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया। रो रो के पागल हो गई है तेरी माँ, इसकी तो किस्मत ही खराब है। बेटा मिला तो तेरे जैसा और पति मिला तो मेरे जैसा। कभी कुछ सुख नहीं दिया मैंने इसको जिंदगी में, सिर्फ दुख दिए, तकलीफें दी है। और अब तू भी वही करने वाला है इस भोली मासूम बच्ची के साथ। इसकी किस्मत खराब करके रख दी तूने। नहीं अंकल, प्लीज मत रोइए। कुकू ने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मम्मी, I'm sorry आंटी। डैडी, I'm sorry डैडी। I love you। मैं नहीं प्यार करता तेरे को, बिल्कुल नहीं करता। कदे पाजी, बेवकूफ, उल्लू। सॉरी डैडी। फट गई। ओ जी, बच्चा आने वाला है। क्या? बस में ही? हाँ जी, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर बस रोको। ओ जी बस रोको। बस रोको भाई, बस रोको। ओ जी, माही की मम्मी डैडी को फोन कर दिया ना? ओ सुषमा जी, कर दिया है। आराम से भैया, आराम से। अरे ठहरो भी, ठहरो। कबीर पंजाबी, हम तुम्हें नाबालिग लड़की का रेप और उसे अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। डैडी, ओना जी ना, मामा प्लीज डोंट डू दिस। की चिंता मत कर तुम अभी। ओ पैसा ना। मम्मी आप जाओ, आप अपना ही का ख्याल रखो। मामा प्लीज डोंट डू दिस। नहीं भाई, मामा प्लीज, मामा प्लीज डोंट डू दिस। कांग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। सुषमा जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है मिस्टर एंड मिसेस पुरी। अरे क्या कर रही हो? कि पूत के लक्षण पालने में यह कहावत मुलजिम कबीर उर्फ कुकू पंजाबी पर एकदम फिट बैठती है। यह अभी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन इसने अभी से गुल खिलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे शराब पिलाई और उसके बाद उसका रेप कर दिया। और जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सेहत की परवाह किए बिना उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो ना जाने क्या क्या शब्द बाग दिखाकर उसे ले उड़ा। किसी पहाड़ी गांव में ले जाकर उसे रखा जहां पर इसकी मनमानी रोकने वाला कोई नहीं था। उस बच्ची का जीवन नरक बना दिया इस लड़के ने। इस छोटी सी उम्र में वो बच्ची मां बन गई मिलॉर्ड।
बचपन छीन लिया इस लड़के ने उसका। मिस्टर अग्रवाल, आप सिर्फ फैक्ट्स बयान कीजिए। फैक्ट तो यही है माय लॉर्ड कि मुलजिम कबीर एक रेपिस्ट है, एक किडनैपर है। इसे ना तो समाज की परवाह है ना ही कानून की। इसकी कम उम्र जानकर कोर्ट इस पर रहम ना करे, बल्कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुलजिम के बचाव में वकील कौन है? मैं हूं माय लॉर्ड। मिस्टर रस्तोगी, डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स हम कल सुनेंगे। टिल देन कोर्ट इज एडजर्न्ड। बोलिए जी। मेरे बेटे पे रेप का चार्ज लगा है। मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ से मुकदमा आप लड़े। मैं भला आपका केस क्यों लड़ूंगा? ओ जी, आप इतने बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे जो भी आपके पास आता है, आप उसके बचाव में केस लड़ते हैं। हाँ, फीस आपकी बहुत ज्यादा है, जानता हूं, इसलिए ये जिंदगी भर की जमा पूंजी आपके सामने रखे जा रहा हूं। अगर फिर भी कम हुई तो अपने रिक्शे बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, लेकिन आपकी पूरी फीस चुकाऊंगा। चलता हूं। पर भाई साहब, आपने ये नहीं सोचा ये आपका केस बिगाड़ भी सकते हैं? नहीं बहन जी, बहुत अच्छे वकील हैं पुरी साहब। अब देखना यह है कि इंसान कितने अच्छे हैं। ओके, मिस्टर रस्तोगी। मिला मिस्टर अग्रवाल। जी मैडम। जी, इसलिए मिस्टर पुरी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कबीर का केस लड़ने की इजाजत दी जाए। ये तो अजीब बात है मैडम। अजीब तो है मुकेश। माही आई नहीं अभी तक? डॉक्टर ने उसे परमिशन तो दिए ना आने की? रॉबिन लेने गया है उसे हॉस्पिटल से। लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा कि मिस्टर पुरी इस केस को पलटते कैसे हैं। थैंक यू। ओके मैडम। थैंक यू मैडम। मिस्टर पुरी, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम कबीर पंजाबी पर रेप का आरोप है। रेप की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है योर ऑनर। किसी ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जो कि सेक्स के लिए रजामंद नहीं है, या फिर जिसमें रजामंदी देने की अकल अभी नहीं है, यानी कि इस मामले में अभी वो नाबालिग है। किस उम्र में लड़की रजामंदी देने के लायक हो जाती है योर ऑनर, इस बात को लेके अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। कनाडा में इस उम्र को 14 साल की तय किया गया है, फ्रांस में 15 और मेक्सिको में 12 योर ऑनर। यूके और यूएस के ज्यादातर इलाकों में और भारत में इस उम्र को 16 साल की माना गया है। ज्यादातर इलाकों में योर ऑनर, हर जगह नहीं, हमारे ही देश में ये मणिपुर की स्टेट में 16 की बजाय 14 साल की लड़की सेक्स के लिए मंजूरी दे सकती है। बल्कि अगर उसे शादी कर ली जाए तो लड़की की उम्र 13 साल भी हो सकती है और इसे रेप नहीं माना जाएगा। वाकई किस उम्र में आके लड़की समझदार हो जाती है, बालिग हो जाती है, यही सवाल है। इस बारे में योर ऑनर किसी ने मुझे बहुत ही वाजिब सी राय दी थी। जरा सोचिए, प्रेम करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इसका फैसला करने का हक किसको है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हर किस बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में सोचें। एनीवे योर ऑनर, टू कम बैक टू द प्रेजेंट केस, माही पुरी जब कुक्कू पंजाबी से मिली थी तो वो ऑलरेडी अपने 16वें साल में दाखिल हो चुकी थी और ये रिश्ता उसने खुद अपनी मर्जी से बनाया था। इसलिए योर ऑनर, ना तो ये केस रेप का रह जाता है और ना ही लड़की के कम उम्र होने का, और इसलिए मैं चाहता हूं योर ऑनर कि अब मैं अपने इस केस को वापस ले लूं। ब्रावो, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। ऑर्डर, ऑर्डर।
अगर आपको केस वापस ही लेना था तो कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने की जरूरत ही क्या थी, आप चुपचाप ही ले लेते। अगर मैंने इस केस को चुपचाप वापस ले लिया होता तो लाखों हजारों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाता, जो कि मेरी ही तरह अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझने की भूल कर बैठते हैं। योर ऑनर, जब बच्चों को मां बाप से प्यार नहीं मिल पाता, जब अपनापन नहीं मिल पाता उन्हें, जब घर उनके लिए जेल बन जाता है, तभी वो बाहर निकल के इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं, जिनमें से सेक्स भी एक है। अपनी बेटी की जिंदगी में भी हमने जो खालीपन, जो इमोशनल वैक्यूम पैदा कर दिया था, उसी को भरने के लिए उसने ये हरकत की, जिसका परिणाम भी उसने नहीं सोचा था। मुलजिम कबीर पंजाबी ने गलती की है योर ऑनर, गुनाह नहीं, कुसूर और अपराध में हमें कुछ तो फर्क करना होगा। माना कि कबीर पंजाबी में बचपना है, लेकिन मैं उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा योर ऑनर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी हर जिम्मेदारी एक एडल्ट की तरह निभाई है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं है योर ऑनर, उसने माही का पूरा पूरा ख्याल रखा, बल्कि वो माही को सच्चे दिल से चाहता। कबीर से मेरी बेटी को जो प्यार मिला है, वो शायद उसकी पूरी जिंदगी में मैं उसे नहीं दे पाया। योर ऑनर, अगर इस सारे केस में कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। ये बच्चे तो आए थे हमारे पास अपनी फरियाद लेकर, हमसे मदद मांगने, कुछ उपाय ढूंढने। सिर्फ अपनी जिद की वजह से मैंने उन्हें धकेल दिया इतनी बड़ी मुसीबत की तरफ। इन हालात में अगर आज उनके साथ कोई हादसा हो जाता, कुछ अनहोनी घट जाती, तो हम किसे दोषी ठहराते, किसे कटघरे में खड़ा करते योर ऑनर, किस पर मुकदमा करते? योर ऑनर, मुझे एहसास है कि खुद दावा करके उसे वापस लेने की इस हरकत की वजह से हो सकता है मुझे अपनी वकालत का लाइसेंस गवाना पड़े, तो भी मुझे लगा कि आज इस अदालत में एक वकील की जगह एक बाप की तरह बोलना ज्यादा उचित होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर कि इस केस को खारिज किया जाए। मैं आपकी दरख्वास्त नामंजूर करता हूं। यह कोर्ट में आया हुआ केस है मिस्टर पुरी, आपका घरेलू मामला नहीं। कि आपने बेटी और दामाद को माफ कर दिया तो बात खत्म हो गई। मैं पूछना चाहूंगा कबीर पंजाबी से और माही पुरी से कि आखिर इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का मतलब क्या है। यहां कोर्ट में नारे लग रहे हैं, लव विंस, प्रेम की जीत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह की जीत है ये? पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर छूट गया, मां बाप छूट गए, दोस्त अहबाब पड़ोसी समाज हर सहारा छूट गया, आगे चलकर कोई भविष्य नहीं, कोई करियर नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन घर से निकलकर साथ रह रहे हैं, हो गई जीत। और ये जो बच्चा है तुम्हारी गोद में, उसका क्या? अगर तुम लोग खुद कुछ नहीं बन सकते तो बच्चे को क्या बनाओगे? तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया है, ये क्या मामूली नुकसान है? माहीपुरी, तुम्हें मैं सजा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है पूरी तरह तुम पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करने की सलाह देता हूं। और तुम कबीर पंजाबी, मैं तुम्हें 3 महीने रिमांड होम में रहने की सजा सुनाता हूं। इन 3 महीनों में अच्छी तरह सोच लो कि तुम अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हो, माही के साथ अपने रिश्ते को जिंदगी भर के लिए किस तरह बरकरार रखना चाहते हो, और जिस दिन तुम अपने परिवार के साथ एक इज्जतदार और कामयाब जिंदगी जीने लगोगे, उस दिन होगी तुम्हारे प्रेम की जीत। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने एक दिन कहा था ना कि अगर कभी प्यार करने लगो तो बताना। करने लगे हो क्या? हाँ माई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकू। आई लव यू माई। क्या कर रहे हैं ये?
सजदा करूं मैं लम्हा ठहर जा एहसास बनके जा मैं उतर जा सजदा करूं मैं लम्हा ठहर जा एहसास बनके जा मैं उतर जा वही मेरा ख्वाब वही मेरा इश्क वही मेरा जिस्म मेरी आत्मा उसके बिना है सुनी जमीन सुना लगे है वो आसमां मौला मौला मिला दे मेरे यार से मिला 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 मौला बेदर्द मंजर ऐसे न तरसा यादों का सावन बन के बरस जा बेदर्द मंजर कैसे न तरसा यादों का सावन बन के बरस जा वही मेरा ख्वाब वही मेरा इश्क वही मेरा जिस्म मेरी आत्मा उसके बिना है सुनी जमी सुना लगे है वो आसमां मौला मौला मिला दे मेरे यार से मिला मौला मौला मिला दे मेरे यार से मिला मौला कहता हूँ बेसबब ना सता दिल की पनाहों में मेरी सदाओं में अब तो है वो ही हर जगह मौला मिला दे मौला मिला दे मेरे यार से मिला मौला मिला दे मेरे प्यार से मिला वही मेरा काम वही मेरा इश्क वही मेरा जिस्म मेरी आत्मा उसके बिना सुने जमा सुना लगे है वो आसमां मौला मौला मिला दे मेरे यार से मिला मौला मौला Say